सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें हैं, गाड़ियों में लोग हैं, जान बचाकर सुरक्षित ठिकानों की तरफ जाते लोग, जो नहीं जा पाए वो आने वाले मुश्किल वक्त की तैयारी में जुटे हैं, राशन ईंधन पानी जमा कर रहे हैं। लेकिन उनको डर किसका है? जवाब है जंग का। दरअसल पिछले कुछ दिनों से इसराइल और हिजबुल्ला एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। 21 और 22 सितंबर को हिजबुल्ला ने 150 से ज़्यादा रॉकेट्स दागे, फिर 23 सितंबर को इसराइल ने लेबनान पर बमबारी की, इसमें 492 लोग मारे गए, इनमें 35 बच्चे थे। इसको पिछले 3 दशकों में लेबनान का सबसे खूनी दिन कहा जा रहा है। लेबनान में 1990 में सिविल वॉर खत्म हुआ था, उसके बाद कभी एक दिन में इतनी ज़्यादा मौतें नहीं हुई। तो आज के शो में हम जानेंगे इसराइल बमबारी क्यों कर रहा है, इसराइल आखिर हासिल क्या करना चाहता है, और नई जंग शुरू हुई तो दुनिया पर इसका असर कैसे पड़ सकता है। नमस्ते, मेरा नाम सोनल है और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Bank of India. दुनियादारी में आज हम लेबनान में बमबारी की कहानी समझेंगे, लेकिन पहले कुछ बेसिक फैक्ट्स जान लेते हैं। लेबनान वेस्ट एशिया में बसा देश है। पश्चिमी सीमा भूमध्य सागर से लगी है, जबकि जमीनी सीमा दो देशों से मिलती है, उत्तर और पूरब में सीरिया और दक्षिण में इसराइल। लेबनान की आबादी लगभग 60 लाख है, राजधानी बेरूत है। इसराइल भी वेस्ट एशिया में बसा है, भूमध्य सागर के किनारे पर। उसकी जमीनी सीमा 4 देशों से लगती है, उत्तर में लेबनान और सीरिया, पूरब में जॉर्डन और दक्षिण में इजिप्ट। इसराइल के पूरब और दक्षिण में 2 और अहम इलाके बसे हैं, पूरब में वेस्ट बैंक और दक्षिण में गाजा पट्टी, दोनों को मिलाकर फिलिस्तीन कहते हैं। दोनों जगहों पर अलग अलग गुटों का शासन है, जैसे गाजा में हमास और वेस्ट बैंक में फतेह मूवमेंट का। उनके बीच आपस में पटरी नहीं खाती, हालांकि उनका मकसद फिलिस्तीन राष्ट्र की स्थापना करना है। हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर आतंकी हमला किया, फिर इसराइल ने जंग शुरू की जो अभी तक चल रही है। इसराइल फिलिस्तीन विवाद के बारे में अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप मास्टर क्लास का एपिसोड देख सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अब हम समझते हैं कि हिजबुल्ला क्या है। यह लेबनान का चरमपंथी संगठन है। मुखिया हसन नसरल्ला है। 2006 के बाद उसको पब्लिक में नहीं देखा गया, बस उसके प्री रिकॉर्डेड भाषण सामने आते हैं। हिजबुल्ला की स्थापना 1980 के दशक में हुई थी, सिविल वॉर में इसराइल के दखल के विरोध करने के लिए। इसमें मदद ईरान ने की। 1992 में हिजबुल्ला ने राजनीति में आने का फैसला किया, हालांकि उसने हथियार नहीं रखे। आज के वक्त में संसद में उसके सांसद भी हैं और वो लेबनान की रेगुलर आर्मी से ज़्यादा ताकतवर भी है। अक्टूबर 2023 में हिजबुल्ला ने हमास के हमले का समर्थन किया, फिर इसराइल ने उत्तरी इलाकों पर हमले करने शुरू किए। इसके चलते हजारों इसराइली नागरिकों को घर छोड़ना पड़ा। सितंबर 2024 में इसराइल ने जंग का फोकस लेबनान बॉर्डर पर शिफ्ट किया। अगले ही दिन हिजबुल्ला के 3,000 से ज़्यादा पेजर्स में धमाका हुआ। उसके अगले दिन वॉकी टॉकीज फटे, इसमें लगभग 40 लोग मारे गए जबकि 4,000 से ज़्यादा लोग घायल हुए। इसके बाद से दोनों पक्षों में तनाव बढ़ा हुआ है। हिजबुल्ला रॉकेट से हमले कर रहा है, वहीं इसराइल लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों को उड़ाने का दावा कर रहा है। 22 सितंबर को इसराइल आर्मी ने आम लोगों को हिजबुल्ला से दूर जाने का मैसेज दिया, फिर 23 सितंबर को पूरे लेबनान में बमबारी की। अब अगले कदम का इंतजार हो रहा है। इस बार जंग का मैदान लेबनान है, लेकिन ये पहली बार नहीं हो रहा। आज़ादी के बाद से ही लेबनान अस्त व्यस्त रहा। पूरी कहानी समझते हैं। पहले विश्व युद्ध तक लेबनान पर ऑटोमन साम्राज्य का शासन था। 1920 में लीग ऑफ नेशंस ने लेबनान का मैंडेट फ्रांस को दे दिया। मैंडेट सिस्टम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लाया गया था। विजेता देशों को हारे हुए देशों के इलाके दिए गए थे उनका भविष्य तय करने के लिए, जैसे फिलिस्तीन और जॉर्डन का मैंडेट ब्रिटेन को मिला, वहीं लेबनान और सीरिया का मैंडेट फ्रांस को दिया गया। फिर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ। शुरुआत में फ्रांस को हार झेलनी पड़ी, उसके लिए मैंडेट चलाना मुश्किल हो गया। नवंबर 1941 में लेबनान ने आज़ादी की घोषणा कर दी। मार्च 1943 में बिशारा अल खुरी पहले राष्ट्रपति चुने गए, मगर नवंबर में फ्री फ्रांस की फौज ने उनको अरेस्ट कर लिया। फिर ब्रिटेन ने दबाव डाला, तब उनको छोड़ा गया। 22 नवंबर को आज़ादी का आधिकारिक दिन तय हुआ। फ्रांस ने 1 जनवरी 1944 को सत्ता ट्रांसफर कर दी। पहले राष्ट्रपति अल खुरी का कार्यकाल 1939 तक चला,
मगर उन्होंने 1947 में संविधान संशोधन कर अपना कार्यकाल 3 बरस के लिए बढ़ा लिया। मई 1948 में इसराइल नया देश बना। स्थापना के अगले ही दिन अरब देशों से जंग शुरू हुई। इसमें लाखों फिलिस्तीनी विस्थापित हुए, उनमें से अधिकांश ने लेबनान में शरण ली। आज भी लेबनान में लगभग 2 लाख फिलिस्तीनी शरणार्थी हैं। 1964 में फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी PLO बना। इसमें फिलिस्तीन के लिए संघर्ष वाले गुट शामिल हुए। उनका दायरा फिलिस्तीन के साथ साथ दूसरे अरब देशों तक फैला था। वे वहीं से इसराइल पर हमले करते रहे। शुरुआत में PLO का सबसे बड़ा बेस जॉर्डन में था। PLO ने वहां पर दबदबा बनाने की कोशिश की। वे सरकार को नजरअंदाज करने लगे। नाराज जॉर्डन ने 1970 में PLO के खिलाफ मिलिट्री कैंपेन शुरू किया, उनको घेर कर मारा। बचे कुचे को जॉर्डन से भगा दिया गया। फिर PLO की लीडरशिप लेबनान पहुंची। उन्होंने इसराइल बॉर्डर के पास अपना बेस बनाया, वहां से इसराइल पर हमला करने लगे। अप्रैल 1975 में एक ईसाई संगठन फिलांगस ने एक बस पर हमला किया, 27 लोगों की हत्या कर दी। इसमें से ज्यादातर फिलिस्तीनी थे। आरोप था कि फिलिस्तीनियों ने चर्च पर हमला किया है। इस घटना के बाद लेबनान में सिविल वॉर शुरू हो गया ईसाई और मुस्लिम गुटों के बीच। 1976 में सीरिया की एंट्री हुई, उसने शांति स्थापित करने और फिलिस्तीनी गुटों को कंट्रोल करने के लिए अपनी सेना उतारी। 1978 में तेल अवीव पर फिलिस्तीनी गुट ने हमला किया। बदला लेने के लिए इसराइल ने साउथ लेबनान पर हमला किया। उसने जीते हुए इलाकों का कंट्रोल ईसाई नेता साद हदद को दे दिया। जून 1982 में एक बड़ी घटना हुई। एक फिलिस्तीनी गुट ने ब्रिटेन में इसराइल के तत्कालीन राजदूत श्लोमो आर्गोव को मारने की कोशिश की। कोशिश नाकाम रही। फिर इसराइल ने ऑपरेशन पीस फॉर गैलिली शुरू किया। यह पहला इसराइल लेबनान युद्ध था। अगस्त तक इसराइल की सेना ईस्ट बेरूत तक कब्जा कर चुकी थी। सितंबर 1982 में लेबनान के इसराइल समर्थित राष्ट्रपति बशीर गमाल की हत्या हो गई। फिर उनके भाई अमीन राष्ट्रपति बने। इस बीच इसराइली सेना वेस्ट बेरूत में घुस चुकी थी। उन्होंने फिलिस्तीनी शरणार्थी कैंपों की घेराबंदी कर दी। समझौते के तहत PLO की लीडरशिप को लेबनान छोड़कर जाना पड़ा। उसी दौरान अमेरिका, फ्रांस और इटली ने पीस कीपिंग फोर्स लेबनान भेजी। 1982 में ही हिजबुल्ला बना। उनका मकसद विदेशी सैनिकों को लेबनान के बाहर निकालना था। अप्रैल 1983 में लेबनान में अमेरिका के दूतावास पर हमला हुआ। इसमें 63 लोग मारे गए। अक्टूबर 1983 में पीस कीपिंग फोर्स के हेडक्वार्टर पर अटैक हुआ। इसमें 241 अमेरिकी और 58 फ्रेंच फौजी मारे गए। 1984 में अमेरिका ने अपनी फौज बाहर निकाल ली। उसने दूतावास और पीस कीपर्स पर हमले के संदिग्धों पर इनाम घोषित किए। हालिया झड़प में कुछ इनामी मारे गए हैं, जैसे फुआद शुक्र। उस पर 43 करोड़ रुपए का इनाम था। उसको इसराइल ने जुलाई 2024 में बेरूत में मार कराया। खैर, 1985 में इसराइल ने भी अपनी सेना निकाल ली। हालांकि वो साउथ लेबनान के कुछ हिस्सों में बने रहे। वहां वे साउथ लेबनान आर्मी यानी SLA का साथ दे रहे थे। SLA एक ईसाई मिलिशिया गुट है। 1990 में लेबनान का सिविल वॉर खत्म हो गया। संसद ने सभी सशस्त्र गुटों को हथियार डालने के लिए कहा। सिर्फ हिजबुल्ला को छूट दी गई, जबकि SLA ने हथियार डालने से मना कर दिया। 1992 में लेबनान ने चुनाव कराए। उद्योगपति रफीक हरीरी प्रधानमंत्री चुने गए। उन्होंने लेबनान का पुनर्निर्माण शुरू किया। सन 2000 में हिजबुल्ला ने साउथ लेबनान में कैंपेन चलाया। इसराइल को बाहर निकलना पड़ा। उसके निकलते ही साउथ लेबनान आर्मी का पतन हो गया और जुलाई 2006 में हिजबुल्ला ने 3 इजरायली सैनिकों की हत्या कर दी, जबकि 2 को बंधक बना लिया। इसराइल ने अगले 34 दिनों तक बेरूत में ज़बरदस्त बमबारी की। इसमें 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए। हिजबुल्ला के सरगना नसरल्ला ने बमबारी देखकर कहा था, अगर हमें इसका थोड़ा भी अंदाज़ा होता तो हम ये गलती कभी नहीं करते। 2006 के बाद हिजबुल्ला इसराइल के साथ सीधी जंग में नहीं उलझा, मगर अक्टूबर 2023 में उसने लिमिट क्रॉस की। हमास के समर्थन में इसराइल पर हमले शुरू किए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी वजह से उत्तरी इसराइल में लगभग 60,000 लोग विस्थापित हो चुके हैं। फिर 15 सितंबर 2024 को इसराइल सरकार की बैठक हुई। इसमें तय हुआ कि गाजा वॉर में एक और मकसद जोड़ा जाएगा, उत्तरी इसराइल के विस्थापित लोगों की सुरक्षित घर वापसी। המצב הקיים לא יימשך. זה מחייב שינוי של מאזן הכוחות בגבולנו הצפוני. נעשה כל מה שצריך כדי להחזיר את תושבינו בבטחה לבתיהם. אני מחויב לזה, הממשלה מחויבת לזה, ולא נסתפק בפחות מזה. 16 सितंबर को इसराइल ने गाजा में तैनात कुछ सैनिकों को लेबनान बॉर्डर पर तैनात किया। यहां से आशंका तेज हुई कि अब वो लेबनान में जंग शुरू कर सकता है।
अगले ही रोज लेबनान में पेजर धमाका हुआ। उसके अगले ही दिन हिजबुल्ला के वॉकी टॉकीज फटने लगी। अमेरिकी मीडिया में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक इन धमाकों के पीछे इसराइल था। उसी ने कम्युनिकेशन डिवाइसेस में बारूद फिट किए थे। न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल इसका हिजबुल्ला के साथ फुल फ्लेजेड वॉर की स्थिति में इस्तेमाल करना चाहता था झटका देने के लिए, मगर जब पकड़ाने का खतरा बढ़ा तो उसने पहले ही ब्लास्ट का इरादा किया। इससे नई जंग की आशंका को बल मिला। हालांकि इसराइल ने पूरे मामले पर चुप्पी साध ली। इसके बाद हिजबुल्ला के ऐलान का इंतजार होने लगा। फिर 19 सितंबर को हसन नसरल्ला का संबोधन आया। उसने सीधी जंग का ऐलान करने से तो परहेज किया, हालांकि इतना जरूर कहा कि गाजा जंग खत्म होने तक संघर्ष जारी रहेगा, तब तक इसराइल अपने नागरिकों की घर वापसी नहीं करा पाएगा। جبهة لبنان لن تتوقف قبل وقف العدوان على غزة بعد كل هؤلاء الشهداء وكل هذه الجواح وكل هذه الآلام أنا أقول بوضوح أيا تكن التضحيات أيا تكن العواقب أيا تكن الاحتمالات أيا يكن الأفق الذي تذهب إليه المنطقة المقاومة في لبنان لن تتوقف عن دعم ومساندة أهل غزة وأهل الضفة والمظلومين في تلك الأرض المقدسة وأنا أقول لنتنياهو ولجالنت ولجيش العدو ولكيان العدو لن تستطيعوا أن تعيدوا سكان الشمال إلى الشمال لن تستطيعوا أن تعيدوا المستوطنين المحتلين المغتصبين إلى المستعمرات في الشمال। जिस वक्त नसरल्ला का भाषण हो रहा था उसी वक्त इसराइल के फाइटर जेट्स बेरूत के ऊपर उड़ान भर रहे थे। इसका मतलब साफ था, इसराइल ने नई जंग शुरू करने का मन बना लिया था। 20 सितंबर से इसराइल ने लेबनान में प्रॉपर बॉम्बिंग शुरू की। पहले दिन उसने हिजबुल्ला के सीनियर कमांडर इब्राहिम अकील को मारने का दावा किया। अकील हिजबुल्ला के रिद्वान फोर्स का मुखिया था। उसके खिलाफ अमेरिका ने 60 करोड़ रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। 1983 में दूतावास और फौजी हेडक्वार्टर पर हमले में संलिप्तता के संदेह में हिजबुल्ला ने अभी तक अकील की मौत की पुष्टि नहीं की है। 21 और 22 सितंबर को दोनों तरफ हमलों का दौर चला। हिजबुल्ला ने रॉकेट सागे जबकि इसराइल ने हवाई बमबारी पर जोर दिया। सबसे खतरनाक दिन आया 23 सितंबर को। लेबनान की हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक 23 तारीख को इसराइल की बमबारी में 492 लोग मारे गए। इसराइल का दावा है कि वो सिर्फ हिजबुल्ला के ठिकानों को निशाना बना रहा है, हालांकि लेबनान सरकार इस दावे को गलत बता रही है। उनका कहना है कि इस हमले में 50 से ज़्यादा बच्चों और 90 महिलाओं की मौत हो चुकी है। 20 सितंबर को भी इसराइल का हमला जारी रहा। अब पॉइंट दर पॉइंट अपडेट्स जान लेते हैं। इसराइल आर्मी ने आम लोगों को साउथ लेबनान से दूर जाने के लिए कहा है। ये भी कहा है कि जिन इमारतों का इस्तेमाल हिजबुल्ला कर रहा है उससे दूर रहें। आम लोग साउथ लेबनान छोड़कर राजधानी बेरूत की तरफ जा रहे हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। बेरूत में लोगों ने राशन और ईंधन इकट्ठा करके रखना शुरू कर दिया है। कई एयरलाइंस ने इसराइल और लेबनान की फ़्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं। उत्तरी इसराइल और लेबनान में सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। दुनिया भर से इस पर क्या रिएक्शंस आए, अब ये जानते हैं। यूनाइटेड नेशंस यानी यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने चिंता जताई है। ईरान हिजबुल्ला का सबसे बड़ा समर्थक है। उसने कहा है कि इसका बुरा अंजाम होगा। जॉर्डन ने इसराइल पर आक्रामक रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। उसने सिक्योरिटी काउंसिल से इसराइल को रोकने की अपील की है। इजिप्ट और कतर ने इसराइल की निंदा की है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि हम शांति की कोशिश कर रहे हैं। दिलचस्पी है कि अमेरिका यही कोशिश पिछले 11 महीनों से गाजा वॉर में भी कर रहा है, मगर उसका कोई नतीजा नहीं निकल सका। ब्रिटेन ने दोनों पक्षों को संयम बरतने की अपील की है। फ्रांस ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की आपातकालीन मीटिंग बुलाने की मांग की है। चीन ने कहा कि वो न्याय और अपने अरब भाइयों के साथ खड़ा है। रूस ने हालात बेकाबू होने का अंदेशा जताया है। अब हम एक्सपर्ट कॉर्नर की तरफ पढ़ते हैं। हमने मामले को विस्तार से समझने के लिए बिट्स कॉलेज में इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रोफेसर डॉक्टर मुश्ताक हुसैन से पूछा कि इसराइल लेबनान या हिजबुल्ला ने आधिकारिक तौर पर जंग का ऐलान नहीं किया, लेकिन सारे संकेत उसी के हैं। क्या इसराइल नई जंग शुरू कर चुका है? क्या वो लेबनान में ग्राउंड फोर्स भेज सकता है? देखिए, इसराइल और उसके आसपास के जो पड़ोसी मुल्क हैं, स्पेशली चाहे वो सीरिया हो या लेबनान हो, कोई साल ऐसा नहीं बीतता जब कोई एक मेजर वाकया ना हो वहां पे, जिसकी वजह से बहुत मुश्किल हो जाता है ये कहना कि इसराइल कब इसराइल लड़ाई कर रहा है और कब नहीं कर रहा है। जिस तरह की ये गोलाबारी बॉर्डर के अक्रॉस लेबनान में नॉर्थ इसराइल में चल रही है,
वो पिछले 2 दशकों से चल रही है। 18 साल तक इजरायली आर्मी ने लेबनान, स्पेशली साउथ लेबनान पे कब्जा किया था। वहां उनको इतनी ज्यादा कैजुअलिटीज हुई थी, उन्हें बाद में वहां से निकल के आना पड़ा। 2006 में दोबारा से इजरायली आर्मी को साउथ लेबनान में जाना पड़ा, टैंक्स लेके, इन्फेंट्री लेके। फिर से इतनी ज्यादा उनकी कैजुअलिटी हुई कि कोई बहुत ही क्लियर नतीजा निकला नहीं उस वॉर का। और हम देख रहे हैं कि 2006 के बाद से, पिछले 18 साल से, काफी रेगुलरली बॉर्डर के अक्रॉस बमबारी होती रहती है। पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास ने जो किया, उसके बाद हिजबुल्ला ने हमास का साथ देने के लिए अपनी तरफ से जितने वो लोग गोलाबारी करते थे, रॉकेट दागते थे, मिसाइल दागते थे, वो एक बहुत बड़ी तादाद में करने लगे। और उसकी वजह से इसराइल का जो रिटेलिएशन है, जो रिएक्शन है, वो भी बढ़ गया है। मैं ये कहूंगा कि अप्रैल में जो इसराइल ने किया था, ईरान का जो दूतावास है सीरिया में दमिश्क में, उस पर अटैक किया था, तब हालात ज्यादा लग रहे थे कि ये लड़ाई साउथ इसराइल में इसराइल और हमास की बस लड़ाई होने के बजाय एक बड़े पैमाने पे एक क्षेत्रीय लड़ाई बन जाएगी। मैं अभी ये कहूंगा कि ये क्षेत्रीय लड़ाई नहीं है। इसराइल की ये उम्मीद है, वो जिस तरह के एयर स्ट्राइक्स कर रहे हैं, दिन में 1600 1700 टारगेट्स को अटैक कर रहे हैं, वो ये चाहते हैं कि हिजबुल्ला की लीडरशिप डर जाए और हिजबुल्ला की लीडरशिप डिसाइड कर ले कि छोटी बहुत थोड़ी बहुत बमबारी वो करते रहेंगे, लेकिन मेजर लेवल पे कोई बमबारी नहीं करेंगे। मुझे साथ साथ ये भी भय लगता है कि हिजबुल्ला की एग्जिस्टेंस इसी बात पे डिपेंड करती है कि वो अपने आप को हमेशा निडर दिखाएं और उनके ऊपर जितने अटैक हुए उससे संभल के दोबारा से अपनी ताकत इकट्ठी करके और वो फिर आगे रेजिस्टेंस करे, फिर आगे लड़ाई करे, फिर आगे अटैक करे। तो ये 10 साल पहले भी वही सिचुएशन थी, आज भी वही सिचुएशन है। जो चीज अलग हुई है वो है कितने बड़े पैमाने पे एयर स्ट्राइक्स हुई हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इसराइल अगर ये सोच रहा है कि हिजबुल्ला की लीडरशिप डर के अब अपना हमास के सपोर्ट में अपना अटैक कम करेंगे, तो वो ज्यादा से ज्यादा कुछ दिन तक शांति होगी, उसके बियॉन्ड वो नहीं हो पाएगी। लेकिन जैसे आपने अपने जो सवाल पूछा उसका अगर सीधा तौर पे जवाब मैं दूं, तो ये अभी लड़ाई नहीं, ये अभी रिटेलिएशन है और हिजबुल्ला की तरफ से जिसको वो रेजिस्टेंस कहते हैं वो है। लेबनान का इतिहास सीरिया की चर्चा के बिना अधूरा रह जाएगा। सीरिया से लेबनान की जमीनी सीमा लगती है। सिविल वॉर में सीरिया ने अपनी सेना भेजी थी, फिर जब बशर अल असद के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ तब हिजबुल्ला ने अपने लड़ाके उतारे थे। सीरिया का लेबनान में क्या इंटरेस्ट रहा है? क्या वो हिजबुल्ला की मदद के लिए आगे आ सकता है? देखिए, सीरिया का जो इंटरेस्ट है लेबनान में वो इनडायरेक्टली ईरान की वजह से है। सीरिया और लेबनान में हिजबुल्ला दोनों ही ईरान की वजह से अपनी ताकत को बनाए रख पाए हैं आज तक। लेबनान एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। लेबनान में दो मेजर कम्युनिटीज हैं, एक है शियाज और एक है सुन्नीस। लेकिन उनके साथ साथ एक अलग तरह के क्रिश्चियंस भी हैं, जिनको मैरोनाइट क्रिश्चियंस कहा जाता है, और एक बहुत छोटी तादाद में और कुछ छोटी तादाद में और भी माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं, जिनमें सबसे प्रोमिनेंटली सबसे फेमस ड्रूज कम्युनिटी है। बहुत सालों तक लेबनान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, जिसकी वजह से लेबनान में बहुत ही अलग तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया गया, जिसको कंसोसिएशनल कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इस कॉन्स्टिट्यूशन में पॉलिटिकल ऑफिस को रिजर्व कर दिया गया, यानी सीटें तो रिजर्व होती ही हैं पार्लियामेंट में, यहाँ ऑफिस रिजर्व कर दिया गया कि जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो सिर्फ एक शिया हो सकता है, जो प्रेसिडेंट होगा वो सिर्फ एक क्रिश्चियन हो सकता है, और जो पार्लियामेंट का स्पीकर है वो सिर्फ एक सुन्नी मुस्लिम हो सकता है। जब इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन को अमल में लाया गया, तो जो शिया कम्युनिटी थी उनको लगा कि अब हम पावरफुल बन सकते हैं, बट सुन्नीस की तरफ से काफी रिटेलिएशन होने लगा कि हमको सिर्फ स्पीकर की पोजीशन क्यों दी गई है। अब इस पूरे एरिया में ऐसा होता है कि जब भी शिया कम्युनिटी को अपने ऊपर कोई प्रेशर लगता है, तो सबसे पहले जो देश आता है शिया कम्युनिटी की हेल्प करने, वो हमेशा ईरान होता है। सो ईरान ने इनकी हेल्प करना शुरू किया, एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई। उस पॉलिटिकल पार्टी को तो, वो पॉलिटिकल पार्टी तो है बट साथ में उसकी बहुत बड़ी एक मिलिट्री भी है, वो हिजबुल्ला है। तो और हिजबुल्ला का जो आर्म्ड विंग है वो इतना पावरफुल है कि वो लेबनान की जो ऑफिशियल आर्मी है उससे भी ज्यादा पावरफुल माना जाता है। लेबनान में ऑफिशियल आर्मी भी है लेकिन उससे ज्यादा पावरफुल हिजबुल्ला की आर्मी है। तो जब भी ईरान को हिजबुल्ला की मदद करनी होती है, उनके पास दो तरीके होते हैं, या तो वो डायरेक्टली मदद करें या सीरिया के थ्रू मदद करें।
हमने आज तक ज्यादातर ये देखा है क्योंकि सीरिया एक देश है, सीरिया में एक प्रॉपर गवर्नमेंट है जिसका ईरान हेल्प करती है, तो ईरान और सीरिया के रिलेशन बहुत डायरेक्ट नजर आते हैं। लेकिन क्योंकि हिजबुल्ला को दुनिया में बहुत सारे देश टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं, तो ईरान कई बार डायरेक्टली हिजबुल्ला की मदद नहीं करता, वो सीरिया के थ्रू अपनी मदद भिजवाता है। और जब हमने पिछले साल पिछले दशक में देखा था 2011-12 के बाद कि सीरिया के जो प्रेसिडेंट थे बशार अल असद, उनकी सत्ता को खतरा था, तो उस टाइम ईरान ने दोनों चीजें करी, डायरेक्टली अपनी तरफ से भी लड़ाके भेजे और लेबनान से भी हिजबुल्ला के लड़ाकों को बोला कि आप यहाँ आइए सीरिया में, और सीरिया में जो राष्ट्रपति है बशार अल असद उनके सपोर्ट में लड़ाई करिए। बशार अल असद एक बहुत ही छोटी माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं जिनको अलावाइट कहते हैं। अलावाइट टेक्निकली बहुत सारे शिया ये कहेंगे कि वो शिया नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल पर्पस के लिए ईरान ये मानता है कि अलावाइट कम्युनिटी शिया कम्युनिटी का ही पार्ट है। तो ये जो पूरा क्रिसेंट कहा जाता है, जिसको कई बार वो द एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस नाम से ईरान इसको रेफर करता है, जिसमें ईरान आता है, सीरिया आता है, लेबनान आता है, ये सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं प्राइमरीली क्योंकि ये शिया पॉलिटिक्स है। और इसीलिए जब जब आप देखेंगे कि सीरिया लेबनान में हिजबुल्ला की मदद के लिए कुछ कह रहा है, तो वो इंडायरेक्टली ईरान के कहने पर वैसा कर रहा होता है। लेबनान में जंग का मतलब होगा वेस्ट एशिया में अशांति। बहुत सारे देश नहीं चाहते हुए भी इसकी चपेट में आएंगे। इस अशांति का भारत और बाकी दुनिया पर क्या असर पड़ सकता है? देखिए, भारत पे जो सबसे पहला असर पड़ेगा वो तो इकोनॉमी पे होगा। लेबनन के साथ डायरेक्टली हमारा बहुत मेजर ट्रेड नहीं है। हमारे करीबन आधा बिलियन डॉलर, 500 मिलियन डॉलर के आसपास का एक्सपोर्ट्स होता है, और हम ज्यादातर जो चीजें वहां से इंपोर्ट करते हैं वो कुछ केमिकल्स है जो दवाइयों में यूज होते हैं। लेकिन जो असर होगा वो इनडायरेक्टली हमारी अर्थव्यवस्था पे ये होगा कि इस लड़ाई की वजह से कच्चे तेल की कीमतें बढ़ेंगी, क्रूड ऑयल के प्राइसेस ऊपर जाएंगे, जो अभी हाल कुछ 1.5 महीना पहले ही $70 पर बैरल से नीचे पहुंच गए थे, जिसका हमें काफी फायदा होगा। लेकिन अगर ये ऐसा वॉर अगर ये वॉर फैलती है, अगर प्रॉपर वॉर स्टार्ट होती है इसराइल और हिजबुल्ला के बीच, तो तेल की कीमतें बढ़ेंगी। तेल की कीमतों का बढ़ना सीधा सीधा हमारी अर्थव्यवस्था पे एक गलत असर डालेगा। हमारे जो इम्पोर्ट बिल है वो बहुत बढ़ जाएगा, हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा महंगे होंगे, और साथ ही साथ जिस तरह की इनस्टेबिलिटी ग्लोबल इकोनॉमी में आएगी उसका भी हमारी अर्थव्यवस्था पे इनडायरेक्ट असर पड़ेगा। पूरी दुनिया पे जो असर पड़ेगा वो भी सबसे बड़ा असर अर्थव्यवस्था पे ही होगा। दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो अभी भी लगता है कि बहुत अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। बहुत सारी दुनिया के देशों में बहुत प्राइमरी कंट्रीज में इकोनॉमी में अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन का खतरा देखा जा रहा है। ये भी कयास लगाया जा रहा है कि अभी जो अमेरिका में फेडरल रिजर्व ने कोविड के बाद से पहली बार रेट्स घटाए हैं, उसका जो फायदा होना चाहिए था वो फायदा भी नहीं हो पाएगा अगर एक बड़े पैमाने पे लड़ाई स्टार्ट होती है। अर्थव्यवस्था के परे अगर देखे तो सामरिक मुद्दे पे ये बहुत बड़ा असर होगा कि अगर लड़ाई छिड़ती है तो दुनिया फिर से उन दो गुटों में बटेगी कि कौन प्रो इसराइल है और कौन प्रो हिजबुल्ला है। जो अभी से हम अज्यूम कर सकते हैं कि अमेरिका और वेस्ट के देश इसराइल का साथ देंगे, रशिया, चाइना और बहुत सारे मिडिल ईस्ट के, वेस्ट एशिया के जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो इसराइल को क्रिटिसाइज करते हुए लेबनान का साथ देंगे। वो भले ही ओपनली ये नहीं कहेंगे कि हम हिजबुल्ला का साथ दे रहे हैं, लेकिन वो लेबनान का साथ देने की बात करेंगे, जिससे इस पूरे क्षेत्र में अशांति फैलेगी और उसका असर ग्लोबल स्टेबिलिटी पे भी होगा, जिसका जैसे मैंने कहा प्राइमरी असर अर्थव्यवस्था पे पड़ेगा। एक सिर्फ एक देश की तरह देखे तो अमेरिका में जो राष्ट्रपति के चुनाव होने वाले हैं उन पे भी इनका असर पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही कई बार इसराइल और इसराइल जो खतरे फेस कर रहा है उनको यूज करते हुए डेमोक्रेटिक पार्टी पे उन्होंने काफी तंज कसे हैं, वो आगे भी बढ़ेंगे और वो उम्मीद करेंगे कि लोग इस वजह से भी उनको वोट करें अमेरिका में, ये उम्मीद करते हुए कि डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका की विदेश नीति ज्यादा कारगर साबित होगी इस पूरे वेस्ट एशिया रीजन की लड़ाई को शांत करने में। तो ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की तरफ बढ़ते हैं। पहली सुर्खी इजिप्ट से आई है। ये मामला भी हिंसक संघर्ष का है। इजिप्ट ने सोमालिया को हथियारों की नई खेप भेजी है। इथियोपिया ने इस पर नाराजगी जताई है। दरअसल इथियोपिया और सोमालिया के रिश्ते पिछले कुछ समय से खराब चल रहे हैं। उसको डर है कि सोमालिया इन हथियारों का इस्तेमाल उसके खिलाफ कर सकता है। इथियोपिया और सोमालिया का क्या पंगा है? आप मैप देखिए, दोनों देश ईस्ट अफ्रीका में हैं, एक दूसरे से सीमा साझा करते हैं।
सोमालिया की सीमा समंदर से लगती है, जबकि वहीं इथियोपिया एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, माने समुद्र से उसकी कोई सीमा नहीं मिलती। इथियोपिया चाहता है कि उसके पास भी समंदर का एक्सेस हो, जिससे उसको समुद्री व्यापार करने में आसानी हो सके। इसके लिए उसने एक उपाय किया, उसने सोमालीलैंड से कहा कि हमें समुद्र तक जाने के लिए जमीन दे। अब ये सोमालीलैंड कहाँ से आया, ये मैप देखिए। जनवरी 2024 में इथियोपिया ने सोमालीलैंड के साथ एक डील साइन की। इसके तहत सोमालीलैंड ने अपने 19 किलोमीटर की जमीन 50 साल के लिए इथियोपिया को लीज पर दे दी। सोमालिया इससे क्यों नाराज हुआ, क्योंकि सोमालिया सोमालीलैंड को अपना हिस्सा बताता है। दरअसल 1960 तक सोमालिया के आधे आधे इलाके में इटली और ब्रिटेन का कब्जा था। 1960 में दोनों ने कब्जा छोड़ा और सोमालिया बना। ब्रिटेन के कब्जे में जो इलाका था, उसने कहा कि हम सोमालिया के साथ नहीं मिलेंगे। 1991 में उसने अलग देश सोमालीलैंड की घोषणा कर दी। सोमालिया ये दावा कभी नहीं मानता। 35 देशों ने 1991 में सोमालीलैंड को एक स्वतंत्र देश माना था, लेकिन किसी ने अभी तक उसे मान्यता नहीं दी है। अब आज की दूसरी और अंतिम सुर्खी जान लेते हैं, जो अमेरिका से आई है। दो अपडेट्स हैं, एक एक कर जानेंगे। 23 सितंबर को पीएम मोदी ने अमेरिका में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमिर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। पीएम मोदी 21 से 23 सितंबर तक अमेरिका के दौरे पर थे। वो क्वाड समिट में हिस्सा लेने अमेरिका गए थे। इससे पहले पीएम मोदी ने 23 अगस्त को यूक्रेन का दौरा किया था। हालिया मुलाकात के बारे में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ज़ेलेंस्की ने जंग खत्म करने में भारत के प्रयास की सराहना की है। पीएम मोदी जब जुलाई 2024 में रूस गए थे, तब ज़ेलेंस्की ने कटाक्ष किया था। कहा था कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र ने दुनिया के सबसे बड़े अपराधी यानी पुतिन को गले लगाया है। अब अगला अपडेट ज़ेलेंस्की के विक्ट्री प्लान से जुड़ा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 26 सितंबर को ज़ेलेंस्की अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के सामने विक्ट्री प्लान शेयर कर सकते हैं। इसकी डिटेल अभी बाहर नहीं आई है। ज़ेलेंस्की ये प्लान उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी दिखा सकते हैं। ज़ेलेंस्की अमेरिका से रूस के खिलाफ लॉन्ग रेंज मिसाइल इस्तेमाल करने की भी इजाज़त मांग रहे हैं, लेकिन अमेरिका ने रजामंदी नहीं दी है। बाइडेन ज़ेलेंस्की की मीटिंग भी इसी पर मतलब हो सकती है, इस पर बात हो सकती है। तो आज के दुनियादारी में बस इतना ही। आप इन मसलों पर क्या राय रखते हैं, कॉमेंट में बताइएगा। आज का शो लिखा था मेरे साथी साजिद और अभिषेक सोनू ने। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप ललिन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया, शुभरात्रि।